कच्चे माल सहित कोयले के दामों में बढ़ोतरी के कारण प्रोसेसिंग मिलें चलाना मुश्किल हो गया है। एक माह के लिए डाइंग प्रोसेसिंग इकाइयां बंद रखने की घोषणा से चिंता का माहौल है। अगर ऐसा होगा तो उद्योग से जुड़े श्रमिक वतन चले जाएंगे और इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। प्रोसेसिंग इकाइयां बंद रखने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इससे टक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में उद्योग में चर्चा हो रही है। मिले बंद रहने के कारण नया माल नहीं आएगा और तैयार माल की डिलीवरी भी नवंबर माह दौरान अटक जाएगी। ऐसे में कपड़ा बाजार में जुड़े श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। श्रमिक एक माह तक बेरोजगार रहना पसंद नहीं करेंगे। सूरत में रोजाना खर्च और रूम का किराया भरना मुश्किल हो जाएगा, जिससे वतन की राह पकड़ सकते हैं। फिर उन्हें वापस लाने के लिए गाड़ी का या स्पेशल वाहनों की व्यवस्था करने की नौबत आ सकती है। कलर सहित कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी से जॉब चार्ज में वृद्धि उचित है, लेकिन एक माह के लिए मिले बंद रखना उद्योग के हित में नहीं है। फोगवा ने व्यापारी और प्रोसेसर्स के बीच बैठक कर समस्या का निवारण लाने की अपील की है। फोगवा ने कहा कि पिछले 4 सालों से टेक्सटाइल उद्योग बुरी दौर से गुजर रहा है, अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। ऐसे में टेक्सटाइल चेन पर इसका असर पड़ेगा। व्यापारी और प्रोसेसर्स के बीच बैठक कर इस समस्या का निवारण लाना चाहिए।